वोट लेने में बाबू बाबू दीजिए बेटी दीजिए चाची दीजिए मौसी। अखनी जो आदमी डूब रहा है इसके लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर हम लोग के घर द्वार सब डूब गया, दाना पानी था वो सब भंस गया, सब भीज गया। खाने पीने के बाल बच्चा के नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। पैसों भी था एक आध 200 रुपया, वो पानी में गिर गया, नहीं मिला। सरकार भी बोलते हैं कि नहीं इस बार तो हम लोग ऊंचा स्थान दे देंगे, घर का जगह दे देंगे, इंदिरा आवास दे देंगे, ना तो यहाँ नहीं देंगे तो कहीं भी बसा देंगे, चरवाहा विद्यालय से नहीं देंगे तो कहीं भी बसा देंगे, लेकिन देंगे लेकिन कोई उपाय नहीं होता है। जब जब पानी आता है तब तब हम लोग का यही गिंजन यही नतीजा है। अभी हम कटिहार ज़िले के मनिहारी नगर पंचायत अंतर्गत चरवाहा विद्यालय इलाके में हैं। यहाँ पे वार्ड नंबर 6 और 8 है जो पूरी तरह से बाढ़ से डूबा हुआ है। बाढ़ का पानी घरों में प्रवेश कर चुका है और लोग पलायन करने को विवश हैं। यहाँ पे सड़क है और सड़क के किनारे दोनों तरफ लोग प्लास्टिक टांग कर अस्थायी घर बनाकर रह रहे हैं। बहुत परेशानी, एक महीने से पानी घुस गया है चरवाहा विद्यालय में, लेकिन इतना सीओ वीडियो भी इतना ही है, किसी को परवाह नहीं है क्या हो रहा है गांव में, नहीं हो रहा है, किसका बच्चा डूबता है, किसी रोड में रहते हैं तो बाल बच्चे को टेंगा टूटता है, कटना क्रम पुटता है, लेकिन कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। यहाँ पर 20 साल से रहते हैं चरवाहा विद्यालय में, कटा पीट का, मिलनीपुर का, कटाकोस का, लेकिन अभी तक कोई चीज़ का नहीं। जो आता है सरकार घर से सब जितना हमला फैला है नेता सब सब खाकर को बढ़ जाता है। हमारे लोग को कोई व्यवस्था नहीं है अभी। हाँ कल बोले कि हमारे लोग को रहने का व्यवस्था नहीं है, पंडित दीजिए, कोई गटागम नहीं, तब बोले रोड जाम करेंगे, बिल्कुल आदमी से जाम करेंगे रोड, देखा जाएगा जो होगा होगा, तब आया डी ओ आर सीओ वीडियो, तब आज वितरण क्या पंडित। हाँ आज खाना अभी 2 दिन पहले तो काफ़ी बारिश हो रही थी, बहुत बारिश बेटा, आदमी का पैखाना फिरने का फुर्सत नहीं है, कहाँ पैखाना फिरेंगे, इतना बारिश था, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो 2 दिन फिर कैसे गुजारा किया, कैसे कर लिए बेटा, नित पंडित वर्कर को कैसे बैठ कर को दिन काटे। हाँ लेकिन अब आदमी को खाने का व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसको भी व्यवस्था नहीं करता है सरकार, क्या वोट लेने में बाबू बाबू दीजिए बेटी दीजिए चाची दीजिए मौसी। अखनी जो आदमी डूब रहा है इसके लिए कुछ नहीं है। कितना दिन से आप यहाँ पे रोड पे? 1 महीना से पानी आया है, 1 महीना से आदमी रहता है रोड पर, घर में रहने लायक नहीं है। घर में कितना पानी? पानी भर मुख है, उल्टी छू लिया है आदमी का, कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे लोग तो बोल रहे थे चलो पटना जाएंगे, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं पीछा सरकार को, कहे ऐसा होता है, सट के पंचायत में बटा जाता है, नगर में कुछ नहीं होता है, क्या क्यों नहीं होता है, नगर में की आदमी नहीं है ये नगर पंचायत? हाँ नगर पंचायत चरवाहा विद्यालय, कोई व्यवस्था नहीं है। जो पंचायत का आदमी सब अपना अपनी लेकर को पूर्ति करता है, नगर में कोई पूर्ति नहीं होता है। हाँ क्यों नहीं होता है, आदमी नहीं है, हमारे लोग आदमी है कि नहीं, पंचायत में आदमी है कि नगर में आदमी नहीं है, हमारा लोग अपने मर रहे हैं बेटा, कटा पी रहे आदमी है, हमारे लोग का जमीन जगह सब था गंगे में चल गया, रहने का व्यवस्था नहीं हमारे लोग को, क्यों नहीं है। कितना जमीन कटा गंगा में? बहुत जमीन कट गया है बहुत लोगों को। कितना बीघा था आपका? हमारे लोग को तो एक एकड़ ये था खाने के लिए और 4 जगह डी बाड़ी था। हाँ सब कट गया, चल गया दरियों में, कुछ नहीं निकाल सके। मेरा पति भी मर गया, मेरा लड़का था ननिहर में, सारा चीज चल गया गंगा में, एक तो कुछ लेकर उन्हें बाहर हुए, ये अकेला मौसम आसान में क्या कर सकते हैं। जब जब पानी आता है ना तो सर लोग बोलते हैं, सरकार भी बोलते हैं कि नहीं इस बार तो हम लोग ऊंचा स्थान दे देंगे, घर का जगह दे देंगे, इंदिरा आवास दे देंगे, ना तो यहाँ नहीं देंगे तो कहीं भी बसा देंगे, चरवाहा विद्यालय से नहीं देंगे तो कहीं भी बसा देंगे, लेकिन देंगे लेकिन कोई उपाय नहीं होता है। जब जब पानी आता है तब तब हम लोग का यही गिंजन यही नतीजा है। बाल बच्चे लेकर के रोड में पड़े रहते हैं, किसी साल से इस तरह का आप लोग हो रहा है? इस तरह तो कम से कम 15-20 साल से हो रहा है इस जगह पर चरवाहा विद्यालय में। अब रोड पर बच्चे लेकर आते हैं लोग, किसी के बच्चे दबा जाएगा, किसी की बकरी दबा जाएगा, किसी की गोरु दबा जाएगा, क्या करेगा, किससे लड़ेगा, हम लोग की तो लड़ने की क्षमता है नहीं, जो लड़ेंगे बयाने के वक्त गिर गए। खाना पीना वगैरह कैसे बनाते हैं आप लोग?
खाना पीना इसी दिन ईटा धर करके ऐसे बनाते हैं रोड पर, और कैसे बनाएंगे? यहाँ तो चूल्हा चले, कोई भूखे है, किसी के चावल नहीं है तो आटा नहीं है, तो आटा है तो लकड़ नहीं है, जलावन नहीं है, अपना सूखा फूका आन के कुछ खाता है लोग, और क्या करेगा? और सरकार को तो कुछ समझ में आता नहीं है कि क्या करेगा नहीं करेगा हम लोग को। कोई राहत सामग्री जैसे कोई नहीं, राशन वगैरह, सूखा राशन वगैरह ना, कोई राशन फासन सूखा राशन कोई नहीं अभी तक मिला हम लोग को, नहीं। सारे बाल बच्चे इसी तरह रहता है, उसको कहेगा कि भाई थोड़ा हमको भी खाना बनाने दे, जिसको लकड़ है जलावन है उसको बोलेगा थोड़ा बनाने दे, हमको बनाने दो, और जिसको नहीं वो क्या करेगा? बहुत दिन से विस्थापित आदमी है हम लोग के ऊपर में, आज तक कोई कानून कार्रवाई नहीं है। हम लोग के अंदर में से यही है कि बाबू हम लोग भूमिहीन हैं, हम लोग का ना तो एक कट्ठा दीवारी है ना रहने का बाबू, हम लोग का छत है ना घर है, हम लोग जो विस्थापित आदमी हैं और जो है कि कटाव पीड़ित का रहने वाले हैं, और जो है कि हम लोग जो हैं कि अभी पानी में बच्चे उच्चे भी फंसे हुए हैं। कितना पानी होगा आप लोग के घर में? अभी हम लोग के घर के अंदर में भर कमर पानी है, कभी इतना पानी है, तो अभी रहने का कोई, हम लोग बाबू यही अभी तुरंत अभी जो है कि आज आके ऊपर में हम लोग बनाए हैं, और हम लोग के ऊपर में कोई लोग का कानून कार्रवाई नहीं है। जो है कि हम लोग बहुत तरीका से ही लोग से बोलने बाजने के लिए चाहे कि बाबू हम लोग को किसी तरह राहत चाहिए, तो राहत के बारे में तो आए वीडियो साहब भी आए थे और सब पदी का सब आए थे, तो आने का बाद जो है कि उस टाइम में जो हम लोग शोर शराबा थोड़ा सा किए, तो थोड़ा हम लोग को राहत आज जो है कि पन्नित बांटने का राहत हम लोग को मिला है। कितना दिन से यहाँ सड़क पर? यहाँ सड़क पर से कम से कम नहीं पड़ी, तो हम लोग एक महीने से पड़े हुए हैं। तो प्लास्टिक आज मिला? आज मिला है। और उसके अलावा और कोई चीज़ का सुविधा नहीं है, किसी चीज़ का नहीं। उसमें बाल बच्चे भी थोड़ा सा बीमार है इस तरीके से बड़े में है, हॉस्पिटल भी जाते हैं तो हॉस्पिटल में किसी चीज़ का भी कानून कार्रवाई नहीं है, जो आता है वो मतलब बाल बच्चा मर जाए हरा जाए किसी चीज़ का कोई तरीका है, बीमार मर जाता है तो अभी कोई किसी चीज़ का अथी वो नहीं है, सुविधा नहीं है। घूर कर आ जाते हैं हम लोग वहाँ से, सारा बाल बच्चा अभी भी दो चार बच्चे हम लोग का जो गाँव ग्राम से पड़े हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर में, उसका कोई सुविधा नहीं है। प्लास्टिक मिला है बहुत मुश्किल के बाद मिला है, जो कि दो तीन दिन से समस्या चल रहा, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और धरना धरने का करार पे आ गया था कि मतलब यहाँ प्लास्टिक के लिए, तो प्लास्टिक अभी दिया है दो दिन हो गया है, तो वही प्लास्टिक का घर बना रहे थे, जो कि पहले हम लोग बांस गाड़ के कर दिए थे, प्लास्टिक आज दिया है तो इसके वजह से मतलब घर बना दिए हैं। कितना दिन से यहाँ? तीन दिन हो गया रोड पे आया हुआ, कोई तरह का कोई व्यवस्था नहीं था, और दो दिन तो बारिश वगैरह हो रहा था। हाँ बारिश भी हो रहा था, आज थोड़ा सा दिन सही किया है, कल पूरा दिन बारिश में ही रहा कि पूरा घर बनाया है, यहाँ से लेकर वहाँ तक, यहाँ से लेकर डेढ़ किलोमीटर दूर तक होगा, वहाँ पूरा तरह घर बना हुआ है, डेढ़ किलोमीटर है यहाँ से वहाँ तक लंबाई। हाँ पूरा घर बना हुआ है, लोग होंगे करीब यहाँ करीब 400 प्लस घर हुआ, 400 या 500 के आसपास पूरा घर हुआ यहाँ से वहाँ तक, सभी रोड पे। हाँ सभी रोड पे है, और देखिए अभी किसी तरह का खाना पीना का व्यवस्था सरकार की तरफ से जो भी होना चाहिए अभी किसी तरह कोई व्यवस्था नहीं मिला है, और बोला गया है कि यहाँ जो CO वीडियो आए थे अपने हम कटिहार डिस्ट्रिक्ट से, बोला है कि यहाँ खाना पीने का व्यवस्था कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, कराया भी नहीं गया। जैसे कम्युनिटी किचन होता है सब? हाँ हाँ खाने पीने का व्यवस्था, और क्या होता है गुड़ चूड़ा भी दिया जाता है, वो भी कुछ तरह का कोई व्यवस्था नहीं दिया गया है, खाने पीने का सामग्री नहीं दिया गया है। अभी कोई नहीं आया है, सिर्फ कल शायद CO वीडियो आए थे सर जी, और वो बोल के गए अभी तक कोई आया है गया है, फिर से कुछ आया भी नहीं है और दिया भी नहीं है कुछ, कोई नेता नहीं आया है, सिर्फ इलेक्शन का टाइम आएगा अपना चेहरा दिखाएगा पैसा उड़ाएगा वोट लेगा, और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं दिया गया है, यहाँ जनता मर रहा है इसको देखने के लिए भी नहीं आ रहा है, पानी में कम से कम आके देखो तो कि यहाँ क्या हुआ है क्या है समस्या क्या है, कोई मतलब नहीं है, इलेक्शन के टाइम आएगा और वोट मतलब मांगेगा और फिर चला जाएगा। हमारे पब्लिक में क्या पंचायत हो गया ये आपका मनिहारी नगर पंचायत है सर, मनिहारी नगर पंचायत है तो वही है, यहाँ 6 नंबर वार्ड है और 8 नंबर भी है, 6 नंबर भी है, लेकिन ज़्यादा यहाँ 90% यहाँ 6 नंबर मतलब वार्ड से हैं। प्लास्टिक टांग के यहाँ पे हैं, आपके घर में क्या कैसा हालात है? हालात है सर, पूरा पानी है, डूब गया घर द्वार, पानी पूरा है, कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, अभी पानी तो नहीं आज मिला है, आज पढ़ने मिला है। हाँ कितना दिन से यहाँ पे प्लास्टिक टांग के हैं? यहाँ हम लोग 8-10 दिन हो गए आने से, 2 दिन बारिश हो रहा था, कैसे
इसी में टाइम गुजर कर रहे थे, खटिया बिछा रहे, सब खटिया भी जला है, सब बिस्तर भी जला है सब। कितना कितना फैमिली है आप लोग? हम लोग चार फैमिली, चार है, दो चार लड़का और दो हम लोग छः हैं। एक ही खटिया देख रहे हैं, बाकी लोग कैसे रहते हैं? और तो वही पानी रखे हैं ना चौकी पर, चौकी ईंटा लगाए घर में, तो वहीं से सोते हैं, हम यहाँ सोते हैं। हाँ, चौकी पर चौकी चढ़ा के रखे हैं, बस आज सब सामान ढोएंगे, आज हम लोग सब जाएंगे। यहाँ पर पंडित मिला तब ना, यहाँ जाकर सामान कहाँ रखते हैं, बारिश में पंडित मिला, आज देखिए पंडित मिला है, तो आज चढ़ाएंगे पर सब सामान ढोएंगे आज ठेला गाड़ी से। तो और कोई किसी भी तरह का राशन वगैरह का? राशन वगैरह कुछ नहीं मिला है, सब कुछ खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं, खाली पंडित मिला है, और पर खाना मैदान साधन बाथरूम साधन कुछ बनवे नहीं किया है, सरकार कोई व्यवस्था नहीं दिया है अभी तक। बाथरूम वगैरह कहाँ जाते हैं लोग अभी? सब इधर रोड साइड में आदमी जाता है, कहाँ जाएगा? पानी उनी में, पानी में इधर देखते हैं पानी हो गया सब भट्टा में, सब जाता है इधर उधर रोड साइड से। अबे जंगल पता रहे सब, बाल बच्चा नहीं कैसे रखेंगे यहाँ पर, फिलहाल में वहीं रखे हैं पानी में बाल बच्चा सब, चौकी पर चौकी रखे। यहाँ पर हम लोग के घर द्वार सब डूब गया, दाना पानी था वो सब भंस गया, सब भीज गया, खाने पीने के बाल बच्चा की नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, पैसों भी था एक आध 200 रुपया वो पानी में गिर गया, नहीं मिला, बहुत परेशानी है, बाल बच्चा भी बीमार है। तो आपके पति क्या करते हैं? ये रोज मजदूरी करते हैं, अभी कौन काम है, पानी में तो कोई काम है नहीं जो कोई काम करेंगे, ये पन्नी टांग के अब जान किसी तरह बचा रहे हैं। दिन से आप लोग यहाँ हो गया हम लोग के लगभग 20 दिन हो गया, 20 दिन से ऊपर हो गया। हाँ, गांव के रोड जागल था तो उसमें थे, लेकिन उस पर पानी चढ़ गया तब रोड पर आने पड़ा। अच्छा। सगरो पानी डमाडोल हो गया है, तो सब भंस गया है, जितना रोड था गांव के भी सब डूब गया है, कोई आदमी भी जागल में नहीं है। अनाज वगैरह आप लोग कहाँ से लाते हैं? नहीं है अभी कुछ, वही दुकान से उधार पुधार लिया करके बाल बच्चा के कुछ खियाते हैं, आधा पेट क्या हुआ के किस चार गो है। ये अभी तो पानी हो गया है, वही सरकारी स्कूल में जाता था बच्चा सब, तो बच्चों को बीमार भी पड़ गया, अब बाल बच्चा सब हरदम हरदम खाने पीने के भी मांगता है, सब दाना पानी भी भीज गया है, छोटा छोटा बच्चा सब भी है, और सरकार भी कुछ हम लोग के सुविधा नहीं करता है, नहीं खाने पीने के, नहीं कोई चीज़ का, आज पंडित बांटा है, खाली पंडित मिला है। सड़क में परेशानी है, बाढ़ हो गया है, हम लोग को घर डूब गया है। घर डूब गया है? हाँ। कितना पानी होगा घर में आपका? घर कमर भर छाती है अभी। तो उससे घर तो डैमेज भी हो गया होगा आपको? हाँ, डैमेज है। कितना दिन से यहाँ पे प्लास्टिक टांग है? महीना दिन से है। अब तक क्या क्या, अब तक सरकारी मुआवजा वगैरह कुछ या? कुछ नहीं मिला है अभी, ले कुछ नहीं मिला है, सिर्फ आज प्लास्टिक मिला है। आज प्लास्टिक मिला? आज मिला है। और इतना दिन में कहूँ कुछ नहीं, हम लोग को जमीन इकट्ठा सरकारी जमीन में रहते हैं, कोई कट्ठा जमीन नहीं है हम लोग को। खाना पीना बहुत दिकदारी है, वर्षा आ जाता है, कभी खाएं कभी भूखे रहना पड़ता है, क्या करेंगे, कैसे समय को अपना गुजारते हैं। बकरी का चारा और कहाँ से लाते हैं? बकरी चारा कहूँ कुछ नहीं है, यही गाछ वृक्ष का डाल माल यही सब बकरी जी रहा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं, बकरी को चारा चाहिए, माल को चारा चाहिए, आदमी को चारा चाहिए, कुछ सुविधा नहीं है। कोई नेता होता देखने नहीं आता? कुछ नहीं, कोई नहीं आया। तो वोट देते हैं आप लोग? वो तो अभी नहीं करता है। हम लोगों ने बात पहले से भी की थी, जनप्रतिनिधि का लोगों ने शिकायत भी की थी, मैंने कहा कि भाई कम से कम जनप्रतिनिधि की बात सुनिए, और अगर वो कुछ भी कहे उसकी जांच करा लीजिए, और जांच में जो सही पाया जाए क्या जरूर किया कीजिए। दूसरी बात है कि यहाँ तो मेडिकल हेल्प मिल नहीं रहा है, पानी चरस फैला हुआ है, महिलाओं को जाने आने में दिक्कत नहीं हो रही है, और जो किचन खुलना चाहिए उतनी संख्या में किचन खुला नहीं है। जैसे अभी हम लोग गए थे एक नंबर वार्ड और आठ नंबर वार्ड में, वहाँ कुछ मिला ही नहीं है, तो इसको हम लोग देख के अभी हम लोग बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन लोगों को मिले,
और जो राशि है वो भी किया जाए। अब मवेशी के लिए ये कठिनाई है, चलो तो पानी है तो उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। बिल्कुल, ये तरह की आपदा है और इसमें सभी लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, और सबसे ज़्यादा तो हम महिलाओं को देखकर हमें काफ़ी दुख हुआ कि उनका जीवन, उनका मुश्किल हो रहा है, जीना मुश्किल हो रहा है। और हम लोगों ने तमाम जो भी रिलीफ का काम हो रहा है उसकी भी हम लोगों ने समीक्षा किया है, हमारे विधायक जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, सब लोग मिलकर। और हम लोग की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत सामग्री पहुँचे, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। यहाँ से लौटने के बाद जिला प्रशासन से बातचीत करेंगे और जो भी कमियाँ हम लोगों ने देखा है, जो महसूस किया है, उन कमियों को उनको बताएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसको दूर किया जाए। क्या कमियाँ पाए सर? देखिए, मुख्य रूप से तो लोगों का है कि किचन और ज़्यादा खुलना चाहिए था, सूखा राशन के लिए लोगों की मांग है, मेडिकल कैंप लगाने की बात लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद महामारी शुरू होगी, जैसे ही ये पानी घटेगा तो महामारी शुरू हो, उससे पहले मेडिकल टीम आ जाए, यहाँ छिड़काव हो जाए, ये सारी चीज़ें लोग बता रहे हैं। सीओ मैडम के द्वारा यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि का बात नहीं सुना जा रहा है सर? वो शिकायत हमको मिली है, हम देखेंगे क्या कर सकते हैं।